हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का ZPS मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ LCM फाइंड करना है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है वो सब का सब शॉर्ट ट्रिक से मैंने बनाया है, सुपर ट्रिक से। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे ZPS मैथ्स बाई RK शर्मा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब विस्तार रूप से बनाएं इसको, तो बिल्कुल इसको इस तरह बनाएंगे। 3 1 3, फिर 5, 3 5 15, 3 10 30, फिर 5 से हम कैंसिल करते हैं, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, 15 2 30। ये LCM रहा, लेकिन ऐसे हमको नहीं बनाना है। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे कि ये 3 के टेबल में 15 आएगा, 3 के टेबल में 15 आएगा, तो हम क्या करते हैं कि इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। फिर 5 के टेबल में 15 आता है, 5 को भी कैंसिल कर दीजिए। फिर 15 के टेबल में 30 आता है, 15 को भी कैंसिल कर दे। बच गया क्या, 30। ये रहा आपका आंसर, करेक्ट आंसर। LCM कितना रहा, करेक्ट आंसर 30। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 3 के टेबल में 48 आएगा, 3 कैंसिल कर दीजिए। 4 के टेबल में 16 आता है और 48 भी आएगा, 4 को कैंसिल कर दीजिए। फिर 16 के टेबल में 48 आएगा, 16 को भी कैंसिल कर दीजिए। बच गया क्या, 48। तो 48 आपका करेक्ट आंसर। इसका LCM कितना रहा, 48। आगे देखिए, इसको वैसे ही करेंगे। 3 के टेबल में 15 आएगा, 3 के टेबल में 15 आएगा, तो 3 को कैंसिल कीजिए। लेकिन 4 के टेबल में नहीं आएगा, तब बस इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 4 60। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। LCM कितना रहा, LCM 60 रहा, LCM 60 रहा। ये रहा आपका। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए 3 के टेबल में 6 आएगा, तो 3 को कैंसिल कीजिए। 4 के टेबल में 8 आएगा, 4 को कैंसिल कीजिए। लेकिन 6 टेबल में नहीं आएगा, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। और देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। 8 को भाई 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें इसमें दोनों का बेस यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर 1 है। ये दोनों का बेस सेम है, तो बेस में इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि इसमें दोनों में बड़ा कौन है। तो ये बड़ा है, तो इसको ले लीजिए, और ये 3 है अकेला, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 8 8 3 = 24। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। देखिए आगे देखिए, इसको भी हमको सॉल्व करना है बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए देखने में कितना भारी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर जाइए। देखिए 24 के टेबल में आएगा 48, तो 24 कैंसिल कर दीजिए। देखिए 36 के टेबल में 108 आएगा, तो 36 कैंसिल कर दीजिए। बच गया ये, क्योंकि 48 के टेबल में नहीं आएगा 108, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 × 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। 108 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 2। अब देखिए बेस सेम है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 3 के पावर 3। ये दोनों बड़ा कौन है, 2 के पावर 4। अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 432। ये रहा आप करेक्ट आंसर। अगर समझ में आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।